की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। हर सप्ताह होने वाली सादरा उत्तरी जोन की बैठक वेटनरी विषय पर रखी गई। इस बैठक में निगम पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में होने वाली समस्याओं को जोन चेयरमैन के सामने रखा। मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट बाद ही आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके चलते मीटिंग को आधे घंटे तक स्थगित करना पड़ा। इसके बाद मीटिंग दोबारा शुरू की गई। वहीं जोन चेयरमैन की माने तो मनोनीत पार्षद चुने हुए पार्षदों को मीटिंग में बोलने नहीं देते हैं और मीटिंग की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके चलते महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाती है। वेटरनरी डिपार्टमेंट पे थी, जिसमें मेन मुद्दे कुत्तों के स्ट्रे डॉग्स, डेयरियों का चलना, अनऑथराइज स्लॉटरिंग और इलीगल मीट शॉप, बेसिकली ये चार मुद्दे लिए गए थे, जिसमें 1/4/2017 से जो हमने एक्शंस लिए हैं उसके बारे में ब्यौरा हमारे DDBS डॉक्टर एम एल शर्मा ने दिया। और इसमें बताया गया है पिछले कुछ दिनों में लगभग हमने 63 मीट की शॉप्स सील की हैं, 40 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त हमने कंपोजिशन फीस 1,40,000 के करीब ली है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास स्टाफ की कमी होने के बावजूद हमने एक मुहिम के तौर पे इसको लिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और इम्प्रूवमेंट होगी। कि हमारी EDMC और विशेष तौर पर मैं अपने इस जोन की बात करता हूँ, जहाँ पर हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को और किसी भी भ्रष्टाचारी को, चाहे वो कोई अधिकारी हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने जोन को जीरो टॉलरेंस जोन बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, जैसा हमारे मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, हम उसी कथन पर, उसी कहनी पर इस जोन को नया निर्माण करना चाहते हैं। यहां पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पार्षद के या किसी के भी संज्ञान में कोई बात आती है, कोई भी उसका साक्ष्य होता है, तो तुरंत मुझे दिया जाए, उसको तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हर मीटिंग में इसी तरह से हंगामा खड़ा कर देते हैं और मीटिंग को चलने नहीं देते। यदि इसी तरह का व्यवहार होता रहा तो सादरा उत्तरी जोन की बैठक में किसी भी तरह का विचार विमर्श व गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। जोन चेयरमैन ने पार्षदों और मनोनीत पार्षदों से अपील की है कि वह मीटिंग की गरिमा को बनाए रखे। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली। पार्टी का आज देखा गया बड़ा शर्मनाक, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों पर आरोप लगाए बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, उन सब लोगों को एक साथ चीटर बता रहे हो, कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, हमारे चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप बताइए, अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के आप किसी अधिकारी पे, DC हो, AC हो, सब लोगों को आप चोर कह रहे हैं, मेरी नजरों में गलत है। जोन चेयरमैन जी ने बैठक बुलाई थी और इतना महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय है स्ट्रे डॉग का, सेल्टर हाउस का और जितने भी मंकीज का, कि उनका रिमूवल कैसे होना है, परे हर वार्ड में ये समस्याएं थी। बहुत अच्छी तरह से बैठक चल रही थी, जोन चेयरमैन जी की अध्यक्षता में इतनी सुंदर बैठक चल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनके जो एल्डरमैन, उनको बोलने नहीं देते। पहले उनको बोलना है, फिर उनके पार्षद बोले, चुने हुए पार्षदों को नहीं बोलने देना और विषय की गंभीरता को नहीं समझना और कुछ न कुछ हर समय एक ऐसा विषय लाना जिसमें ये वॉकआउट करें। किसी तरह से ये चाहते हैं कि मैं बैठक में शामिल ना हो, जो प्रश्न हम पूछे उनका जवाब नहीं मिले, क्षेत्र में कोई काम ना हो, विकास के कोई काम ना हो, हम बाहर जाके फिर एक बहाना बनाएं कि रूलिंग में BJP पार्टी है और ये कोई काम नहीं करे, ये मैसेज पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए।